वेलकम गाइज, एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के फायरमैन, वार्डमैन और घुड़सवार पोस्ट के लिए जो भी डिटेल हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है, उसमें गूगल में जाना है, टाइप करना है यूपी पीबी, ये टाइप करें और सर्च कर दें। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहली साइट दिख रही है, इस पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये साइट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। ओके, यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर जो विज्ञप्तियाँ दी हैं, यहाँ दो तरह की स्पेशल विज्ञप्ति हैं, उस दोनों की बात करेंगे। देखिए जो पहली विज्ञप्ति है ये जो है ऋणात्मक प्रदान किए जाने के विषय में है। देखिए जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें नो निगेटिव मार्किंग था, तो उसी को संशोधित करके बोर्ड ने इसे अपडेट किया है। क्या इसमें लिखा गया है, क्या डिटेल है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसको हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो इस पर आप क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पुरुष एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर फायरमैन पुरुष एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने विषय। तो देखिए जो इसका एग्ज़ाम है वो 19 और 20 को दो पालियों में होगा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें बताया गया है कि जो निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी वो त्रुटिवश अंकित कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा है त्रुटिवश अंकित हो गया है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, जबकि जेल वार्डर की भर्ती से संबंधित नियमावली ये फलाना फलाना जो भी सारा कुछ डिटेल दिया है, मतलब ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगर आपको नो निगेटिव मार्किंग समझ में आ रही है तो आप इसमें ध्यान में कर लें, अपडेट कर लें कि निगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो निगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है पूरा डिटेल में इस नोटिस में, तो ये आप ध्यान में रखें। और जो एग्ज़ाम है 19 और 20 को है, उसके लिए आप लोग रेडी रहें। ये तो एक नोटिस ये हो गया। दूसरा नोटिस हम देखते हैं, इसको बैक करते हैं और साइड पर फिर से जाते हैं। यहाँ देखें दूसरा नोटिस, यहाँ है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर फायरमैन आरक्षी घुड़सवार पुलिस के सीधे पदों की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित जनपदों का विषय। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर डाउनलोड करके देखें इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए 19 और 20 को एग्ज़ाम हो रहा है, दो पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र हैं बोर्ड की वेबसाइट पे बाद में लिखित परीक्षा की तिथि के 7 दिवस पूर्व, मतलब 7 डेज बिफोर जो भी एग्ज़ाम डेट है, मतलब यहाँ पर 19 और 20 है तो इसका मतलब है कि 12-13 में आपको जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड में जो आपका आवेदन संख्या है, आवेदन पत्र संख्या है, यहाँ पर जो दिया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सर्च करके आप अपना आवंटित जो है अभी आवंटित जनपद, मतलब जिस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, वो आप अभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी चेक कर सकते हैं। बाकी जो एडमिट कार्ड है वो 7 डेज बिफोर एग्ज़ाम डेट के अपलोड कर दिया जाएगा, तो अभी आप चेक कर सकते हैं स्पेशली। और साइट यहाँ पे डिटेल में दी गई है, इस साइट पे जाएं और अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और उसमें सर्च कर सकते हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट आवंटित किया गया है एग्ज़ाम के लिए वो कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए नंबर भी दिया गया है, इस पर भी कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी इसके बारे में, यूपी पुलिस के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर फायरमैन आरक्षी घुड़सवार पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2016 के लिए, ये सारी जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, इसको हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, बाकी और सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल है, इस में काफ़ी कुछ मिलेगा आपको,
देखने को, यहाँ पर पूरा पूरा सब कुछ डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉन्टेक्ट करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।